जय श्री राम, जय हनुमान। चमत्कारी डॉक्टर हनुमान बाबा के दरबार से यह लाइव वीडियो लेकर आया हूँ। श्री डॉक्टर हनुमान मंदिर, आप ये पीछे पढ़ रहे होंगे, श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज मंदिर धाम, इस तरह से ये तो एडवर्टाइजमेंट वाला बोर्ड लगाया है किसी ने। लेकिन यहाँ के हनुमान जी, आपने देखा होगा समूचे विश्व में हनुमान जी की एक अलग ख्याति है। और हनुमान चालीसा में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज कलयुग के वो आराध्य देव जिनका प्रताप चारों युग में छाया हुआ है। लेकिन कलयुग में विशेष रूप से हनुमान जी अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग ख्यातियों के माध्यम से भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। ऐसी एक प्रसिद्ध मूर्ति और प्राचीन मूर्ति मध्य प्रदेश के भिंड जिले में डॉक्टर हनुमान जी महाराज की है। जी, हनुमान जी की ही मूर्ति है, उसके आगे डॉक्टर लगाने का रीजन है कि यहाँ पर कैंसर ट्यूमर जैसी बीमारियों में भी यहाँ पर विराजमान सखी भेषधारी ददरौआ सरकार भक्तों को लाभ दिलाते हैं। तो आइए आज इस मानसिक यात्रा में आप सभी को जोड़कर ले चलते हैं डॉक्टर हनुमान जी महाराज के पावन धाम की ओर। मेरे साथ आज दुर्गेश भैया मदद कर रहे हैं मेरी, और ये पूरे लाइव के लिए कैमरा को ऑपरेट कर रहे हैं दुर्गेश भैया। आप सभी भक्तों की ओर से अरदास हेतु ये घंटा, कहते हैं दंदरुआ, जो दंदरुआ में जो घंटा बजाता है, सच मानिए जीवन में उसका डंटा मिट जाता है। कैसी भी दिक्कत हो उस दिक्कत से समाधान हो जाता है। इस जिस ग्रिल से हम जा रहे हैं दुर्गेश भैया, ये ग्रिल इधर दिखाएं, ये ग्रिल जिस पे हम जिगजैग में जिसमें जा रहे हैं अभी अंदर की ओर। पहले तो अच्छा, हाँ, लाइव वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप लोग प्लीज, जो भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही ददरौआ सरकार की ख्याति जो प्रचार प्रसार हुआ है वो सब आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने शेयर किया है, तब जाकर के लाखों भक्तों का परिवार एक साथ एकत्रित हुआ है। ये पीछे का नज़ारा आप देखो, ये पूरा जो नज़ारा है मंगलवार और शनिवार, अब तो शनिवार के दिन मैंने पिछले शनिवार को लाइव भी किया था, ये पूरा भर जाता है रास्ता और इतनी भीड़ होती है। ये पूरा ग्राउंड सामने का आप देख रहे होंगे, यहाँ भी अपार भक्तों का सैलाब बाबा के दरबार में लगा रहता है। तो आइए मेरे साथ इस जिगजैग में बड़ी आसानी से आज हम जा रहे हैं, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, और सुकून से आपके इंतजार की घड़ियाँ क्षणिक समय में समाप्त होंगी, क्योंकि आप सभी भक्तों को अति दुर्लभ डॉक्टर हनुमान जी महाराज की उस प्राचीन सखी स्वरूप मूर्ति के दर्शन होने जा रहे हैं, जिसके दर्शन करने मात्र से भक्तों की असाध्य से असाध्य लाइलाज बीमारी में भक्तों को लाभ की अनुभूति प्राप्त होती है। जिस मूर्ति के दर्शन करने से भक्त मन चाहा वरदान पाते हैं, उस चमत्कारी सिद्ध वीर बजरंगबली की पावन दिव्य अद्भुत छटा के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं, और कहते हैं गर्भगृह की पावन भूमि को स्पर्श जरूर करना चाहिए, और तीर्थ में तो जाकर जितना हो सके उतना चरण वंदन करें। चरण वंदन का अलग प्रताप है, अभी दर्शन कीजिए डॉक्टर हनुमान जी महाराज के सखी स्वरूप के ये पावन अद्भुत दर्शन, और इस लाइव को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस लाइव में आप लोग जुड़े रहिएगा, चमत्कार भी बताने वाला हूँ, भक्तों के रिव्यू भी लेने वाला हूँ इस लाइव में। कई सारे भक्त जुड़ रहे हैं अभी मेरे साथ। श्री ददरुआ सरकार की जय। श्री डॉक्टर हनुमान सखी भेषधारी मारुति नंदन हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्त मेरे साथ, कई भक्त जुड़ रहे हैं, शीतल तलंग जी, नेहा दीक्षित जी, राम नरेश जी, आशीष जी, सभी को जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, संभव नहीं है सबका नाम घोषित करना, क्योंकि पट बंद होने का भी समय हो चुका है। मैं आज डॉक्टर हनुमान के चरणों में आपको ले चल रहा हूँ, बिल्कुल नज़दीक से चरणों में आप सभी की हाजिरी, आप सभी की अरदास डॉक्टर हनुमान बाबा के चरणों में भेज रहा हूँ। और वो चमत्कारी दरबार, जिस दरबार में लाखों श्रद्धालु आते हैं, वैसे तो हनुमान जी के लिए रामचरितमानस में उल्लेख है, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज के अंदर वो सामर्थ्य है साहब, कोई भी बीमारी हो, और बीमारी क्या केस हो आपका, कोई भी समस्या आपके जीवन की हो, हर समस्या में समाधान और निजात दिलाने की क्षमता रखते हैं हनुमान जी महाराज। आइए पावन पतित
पतित पावन श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की अद्भुत छवि के चरणों में बैठ करके, इस दिव्य आभा के चरणों में बैठ करके आप सभी की अरदास डॉक्टर हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। जो भी भक्त जुड़ रहे हैं, एक एक बार सब भक्त अपना कमेंट के माध्यम से नाम उद्घोषित कर दें, जिससे मुझे सुलभता होगी और मैं अंदर की लाइट चालू करके आता हूं। आप सभी को अच्छे से दर्शन हो सके इसके लिए लाइट चालू कर दी है हमारे साथ। पहले मैं देखिए, एक मिनट, सब देखते हैं लाइव में, केवल कैमरामैन एक ऐसी अहम भूमिका होती है, कभी भी कैमरामैन को कोई नहीं देख पाता है। कैमरामैन हमारे साथ दुर्गेश भैया हैं और मैं दुर्गेश भैया को भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इनका अहम रोल। अगर भाई कैमरा कोई अच्छे से ऑपरेट नहीं करेगा तो आपको दर्शन कैसे होंगे अच्छे से। तो हमारे ये दुर्गेश भैया हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं। दुर्गेश भैया जय जय श्री राम। ये हनुमान जी महाराज के चरणों में ही अध्ययन कर रहे हैं, विगत 3 वर्ष से डॉक्टर हनुमान बाबा के चरणों में सेवा अर्पित कर रहे हैं। ऐसे दुर्गेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इनके माध्यम से मुझे इतनी मदद मिलती है, और पिछले मंगलवार के लाइव में भी इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं सभी, जो जो भक्त जुड़े हैं जय श्री राम लिखें, सबका नाम हनुमान जी के चरणों में एक बार बोल देंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दया निधान कृपा निधान करुणा की खान डॉक्टर हनुमान आप सभी भक्तों के दर्दों का हरण करेंगे, और आपके नाम अकेले घोषित होने से आपकी अर्जी भी वो स्वीकार कर लेंगे। मेरे साथ सुनील कुमार, नेहा दीक्षित जी, गौरव सिंह भदौरिया जी, आरती कुशवा जी, आशीष दीक्षित जी और सुनील जी, आदित्य श्रीवास जी, कोमल जी, अरविंद जी, आरती जी, राजू भैया, राजमती जी और इसी के साथ संजीव भैया जी, बाहर से आने वाले की व्यवस्था नहीं है। क्या लिखा है, बाहर से आने वाले, गंदगी, प्रसाद, लाखों मक्खियां रहती हैं, कृपया ध्यान दें व्यवस्था करने वाले। बाकी हनुमान जी, जी जी संजीव जी, आप जहां से भी जुड़े हैं बहुत अच्छा सजेशन है आपका। और इस बारे में जैसा हमारे संजीव भैया बता रहे हैं कि बाहर से आने वाले भक्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अति शीघ्र भक्तों को अच्छे से सुलभता से दर्शन हो सकें, और बकाया ये प्रसाद की जो व्यवस्था है उसके लिए भी पूज्य महाराज जी कुछ ना कुछ जल्दी समाधान निकालेंगे। बिल्कुल नेहा दीदी, आपका ट्रांसफर हनुमान जी महाराज अपने चरणों में ग्वालियर ले लेंगे, आपकी अरदास स्वीकार होगी। सौम्या दीदी जुड़ी हैं और ये प्रमित श्रीवास्तव जी, आरती कुशवा जी, गौरव सिंह भदौरिया जी, जितेंद्र जी, अजय पटेल जी, संजय जी। एक अहम बात मैं करना चाहूँगा, जो हमारे भैया ने अभी कमेंट किया है प्रसाद को लेकर के, आप लोग प्रसाद भक्त ये देखिए, आप अभी भी कोई रस नहीं है आज ज़्यादा, फिर भी इस तरह से प्रसाद फेंक कर, और पिछले मंगलवार का आप लाइव देखेंगे मेरे सिर में सिक्का और प्रसाद फेंक कर मारा था। और ये तो हर मंगलवार की साफ बात है कि हर मंगलवार को गर्भगृह में हवन करना भी मुश्किल पड़ जाता है सभी भक्तों को। महाराज जी भी काफ़ी मतलब हवन करते हैं तो लोग प्रसाद फेंक फेंक कर मारते हैं, ये बहुत गलत है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ, मंदिर प्रशासन या अन्य जो पुलिस प्रशासन लगता है उसके साथ आपको भी मदद करना पड़ेगा। अभी हनुमान जी महाराज के चरणों में आप प्रणाम निवेदित करें, क्योंकि इनकी प्रसादी लग रही है और उसके बाद शयन होगा, पट बंद होंगे, तो सभी प्रणाम निवेदित कर लें और मेरे साथ मिलकर एक जय घोष डॉक्टर हनुमान जी महाराज के चरणों में बोले, तंद्र हुआ सरकार की जय। आइए अब आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं डॉक्टर हनुमान जी महाराज के चरणों में, आज सभी प्रणाम निवेदित करें। ये पट बंद हो चुके हैं हनुमान जी महाराज के, ये हमारे सुंदर बाबा हैं, इनकी भी बड़ी विशेष अहम भूमिका है मंदिर में। आप जो देखते हैं जो भक्त निवास हैं उनकी पूरी व्यवस्थाएँ सुंदर बाबा के द्वारा। और दूसरी व्यवस्था आपको बता दें, हर मंगलवार को आप राम जी बाबा को, जिनको देखते हैं लाइव के माध्यम से, राम जी बाबा के ये भाई भी हैं, तो ये दोनों भाई मिलकर मंदिर की व्यवस्थाओं में समर्पित हैं। हनुमान जी महाराज इनके जीवन में कृपा करें, करुणा करें। और आइए अब आगे का नज़ारा थोड़ा सा और दिखाते हैं। हमारे दुर्गेश भैया कह रहे हैं भंडारा नहीं मिलेगा, लेट हो जाएंगे। हमारे साथ गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता।
ना खाने की, ना पीने की, ना जीने की, ना मरने की, हमें किस बात की चिंता। अब इसके बाद हम आगे की ओर जा रहे हैं। भैया को भूख लग रही है शायद। ये सीताराम नाम धुन चल रही है अभी, और कुछ ही देर में गांव के कुछ जो हर गांव की ड्यूटी रहती है, अभी सभी प्रसादी पाने के लिए गए हैं, तो प्रसादी पाकर आ जाएंगे। उसके बाद पुनः धुन जो है अच्छे से चलेगी, और ये सब मंदिरों के धीमे धीमे पटबंद होते जा रहे हैं। इसके बाद हम नज़ारा दिखाएंगे एक बार शिखर का, क्योंकि कहते हैं शिखर दर्शनम पापनाशनम। शिखर के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन का पाप नष्ट हो जाता है और वह दिनों दिन ऊंचाइयां पकड़ता है। दूसरे दर्शन आपको आज मैंने लाइव के माध्यम से नहीं करा पाए, शंकटाभि चक्र के। ये भगवान भोलेनाथ हैं जो दोनों हाथ ऊपर किए हैं, और इनको सेल्फी वाले शंकर सभी भक्त कहते हैं, क्योंकि यहाँ आकर प्रायः भक्त सेल्फी खींचते हैं। ददरुआ सरकार की महिमा के बारे में और यहाँ के चमत्कारों के बारे में मैंने वैसे तो कई सारी वीडियो ददरुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाली हैं। यहाँ की शाखाओं के बारे में भी मैंने बताया है, यहाँ की शाखाओं के बारे में भी बताया है कि ददरुआ सरकार मंदिर की कई सारी शाखाएँ हैं। मध्य प्रदेश में ही आप बात करें तो मध्य प्रदेश की पावन भूमि, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की संकल्प भूमि जिसे कही जाती है, जो वन स्थली है भगवान श्री रामचंद्र जी की, वहाँ भी श्री सरकार का एक अद्भुत आश्रम बना हुआ है। आप भक्त जब भी जाना चाहें तब आप डॉक्टर हनुमान जी महाराज की पावन कृपा से, तो उनमें जाकर भी आप तीर्थ स्थानों का लाभ लें। और इसी के साथ अब आइए मेरे साथ मिलकर शंकटाभि चक्र और शिखर दर्शन करें श्री हनुमान जी महाराज के चमत्कारों को सुनते हुए। हनुमान जी महाराज ने काफ़ी प्राचीन एक बात पूज्य महाराज जी बताते हैं कि एक यहाँ पर अयोध्या दास जी नाम के महाराज जी आए हुए थे, और उन महाराज जी को हनुमान जी ने साक्षात डॉक्टर के रूप में दर्शन दिया। अब से बात काफ़ी पुरानी है लेकिन यथार्थ है, इसके कई सारे प्रमाण भी हैं। और वो जो बाबा हैं श्री अयोध्या दास जी बाबा, शायद नाम विस्मरण हो रहा है लेकिन शायद यही नाम है, और जो भी होगा अमुख बाबा थे, तो उन बाबा को यहाँ पीपल के नीचे काफ़ी समय पहले हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिए, ऐसा भी प्रमाण आता है। और इसी के साथ एक महिला जो 53 वर्ष जिसकी उम्र हो चुकी थी, 53 वर्ष में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप कभी संतान सुख नहीं ले सकती हैं। ये इंद्रगढ़ के पास है कोई जिला दतिया में ग्राम, उसकी भी वीडियो डली है। 53 वर्ष में उनको कैंसर हुआ, बच्चेदानी का कैंसर हो गया था, तो बच्चेदानी का उन्होंने जो है हनुमान जी की कृपा से यहाँ आकर चरणों में प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के साथ साथ उनके पति ने कहा कि हनुमान जी महाराज मेरी पत्नी को ठीक कर देंगे, अगर इस कैंसर से निजात दिला देंगे तो। हनुमान जी महाराज आप तो राम कथा सुनने के रसिया हो, तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी की राम जी की कथा श्रवण करा देंगे। भागवत जी की कथा बोली, हनुमान जी का ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी कृपा हुई कि हनुमान जी की कृपा से उनकी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया, और कैंसर ठीक होने के बावजूद 51 वर्ष में उनका कैंसर ठीक हुआ था, 52वीं वर्ष उनकी उम्र की चल रही थी, और 53 वर्ष में उनको एक लड़का हुआ। वो लड़का अभी 2 या 2.5 वर्ष का हो गया है, कुछ महीने पहले ही उन्होंने यहाँ पे भागवत भी कराई थी, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, दंदरुआ सरकार 1008 यूट्यूब पर। हर बार दर्शन कराते हैं शंकटाभि चक्र के, और आज दुर्गेश भैया की मदद से आप सभी भक्तों की अरदास, आप सभी भक्तों के हितार्थ राम नरेश भैया जय जय श्री राम, और आपका भी काफ़ी योगदान है, आपका योगदान भुलाने लायक नहीं है। बंटू भैया और हमारे राम नरेश भैया बहुत मेहनत करते हैं ददरुआ सरकार मंदिर के प्रचार हेतु। तो अभी हम आपको आपकी अर्जी, एक कहते हैं ना यहाँ शंकटाभि चक्र की बड़ी विशेष महिमा है, यहाँ की महिमा के बारे में आपको बताएं कि भक्तों का ऐसा मानना है कि यहाँ आकर जो अपनी उंगली या पुष्प यहाँ पर कुछ घुमाता है, वो घुमाने से भक्तों की कुंडली में आए हुए दोषों का निवारण करता है ये शंकटाभि चक्र। वैसे तो हनुमान जी महाराज की कृपा है और हनुमान जी महाराज के चरणों में ही ये शंकटाभि चक्र बना हुआ है, तो ये तो वैसे ही शक्तिशाली है, काफ़ी प्राचीन है, और कहते भी हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तरह जैसी। आइए ओम श्री ददरुआ हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी पावन प्रार्थना, आप सभी भक्तों की प्रार्थना
मैं आज श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज के संकटाभि चक्र में अर्पित करता हूँ। ओम श्री ददरुआ हनुमते नमः, 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 ओम श्री ददरुआ हनुमते नमः। श्री ददरुआ सरकार की जय, श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। इस संकटाभि चक्र में हमने अभी पुष्प घुमाया। आप सभी भक्तों के हितार्थ, आपको जब भी समय मिले, यूँ तो घर बैठे भी हनुमान जी कृपा करते हैं, लाभ दिला देते हैं। किस तरह से घर बैठे विधि की जाती है उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, ददरुआ सरकार 1008 पर। लेकिन उसके अलावा भी आप चाहें घर बैठे लाभ ले लें, उसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार ददरुआ सरकार मंदिर जीवन में जरूर आए। ऐसे तो 5 बार का विधान है, लेकिन एक बार जरूर आए आपके जीवन में। जैसे ही मैं, ये विश्वास है, बाबा के दरबार में बैठा हूँ, आप एक बार हनुमान जी का स्मरण करेंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको लाभ तो मिलेगा ही, तत्क्षण आपके जीवन में आर्थिक रूप से भी बलदाब होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दें। अंतिम दर्शन आपको शिखर दर्शन करा रहे हैं। दुर्गेश भैया को भूख लग रही है, लेकिन अभी चलते हैं शिखर दर्शन के लिए और उसके बाद आप सभी से विदा लेंगे, इसकी परिक्रमा करते हुए निकल चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार जो है अर्जी लगाएं घर से, एक नारियल को 5 बार या 7 बार 11 बार आमुख मरीज के सिर पर घुमा कर, इधर आते जाइए, सिर पर घुमा कर आप पूजा घर में रखें, रोज आरती दीपक करें, कपड़ा या कलावा से बांध करके। आपको जरूरी नहीं है उसमें दक्षिणा, आपको रखना हो 5 रुपये 11 रुपये तो अपनी यथानुसार रख लें। उसके अलावा आप घर से रोज घी का दीपक हनुमान जी महाराज का लगाएं, ओम श्री ददरुआ हनुमंते नमः का जाप करें। इसी के साथ जैसे ही आपको लाभ की अनुभूति हो, तब एक बार आप डॉक्टर हनुमान मंदिर में जरूर आएं। और मैं चाहूँगा दुर्गेश भैया इस साइड आएं आप। ये देखिए श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज का शिखर, काफ़ी प्राचीन ये शिखर है जो राम दरबार के ऊपर बना हुआ है। और ये पूरा मंदिर प्रांगण का नज़ारा आप देख रहे हैं। कहते हैं शिखर दर्शनम पापनाशनम, इस शिखर के दर्शन के साथ आपके समूल पापों का समन हो और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में नवनित वृद्धि करें, नवनित आर्थिक रूप से आप संपन्न हो, ऐसी पावन प्रार्थना के साथ आरोग्यता का हनुमान जी वरदान आपको देते रहें, ऐसी पावन पुनीत प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग इस लाइव को शेयर करें और श्री ददरुआ हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित करते हुए एक बार मेरे कहने पर ओम श्री ददरुआ हनुमंते नमः, ओम श्री ददरुआ हनुमंते नमः, इस मंत्र का आप लोग अभी इसी समय जिस स्थिति में भी हैं एक बार उच्चारण जरूर कर लें, ओम श्री ददरुआ हनुमंते नमः, और कमेंट में जय श्री राम लिखें, जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश भैया। सभी भक्त इस लाइव को शेयर भी कर दें। मेरा मन नहीं मानता है कि लाइव कट की जाए, क्योंकि अभी भंडारे तक जा रहे हैं हम। मन तो ये था कि भंडारा भी दिखाएं आपको, लेकिन अब दुर्गेश भैया का मन नहीं है, तब आपको एक बार गुरु चरण दर्शन करा देते हैं, जहाँ गुरुदेव भगवान की चरणों की पादुकाएं हैं उसके दर्शन कराते हैं। और प्रणाम निवेदित आप कर लीजिए, इस लाइव को शेयर करते जाइएगा। हनुमान जी महाराज आपके जीवन में नवनित वृद्धि करें। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। यही वो दरबार, यही वो स्थान है जहाँ से सिद्ध चमत्कारी भभूति भक्तों को प्रत्येक मंगलवार शनिवार पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमलों से बड़ी ही सहजता के साथ भक्तों के हितार्थ वितरित की जाती है। यही वो स्थान है, आप दर्शन करें। और कहते हैं कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मनसा पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक रूप से जब पुण्य अर्जित कर सकते हैं तो ये भी पुण्य है। इस धरा के आप मानसिक रूप से दर्शन कर रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक नवनित बलदाव देगा, साथ ही आपको पुण्य अर्जित कराएगा। तो मैं राघवेंद्र खेमरिया जुड़ा हुआ था आपके साथ, अब आप सभी से लेता हूं विदा।
हनुमान जी महाराज बंटू भैया जुड़ तो चुके हैं जैतपुरा मढ़ी वाले। ओम श्री ददरुआ हनुमंते नमा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। सभी को हनुमान जी महाराज की कृपा के बरदहस्त सभी के जीवन में बने रहें, ऐसी पावन प्रार्थनाओं के साथ जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।